सो गाइस, कलरवे 6 अपडेट आने के बाद रियलमी डिवाइस में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ रियलमी 2 डिवाइस और यहाँ पे भी जो है बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आज का जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा सीरियस है। तो आज सुबह उठ कर जब मैं अपने रियलमी मोबाइल को यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने यहाँ पर देखा यहाँ पर जो है इसका जो डिस्प्ले है पूरा डेड हो चुका है, यानी कि यहाँ पर ये पूरा डार्क हो चुका है और यहाँ पर जो है डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर मोबाइल वर्क कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने सारी कोशिश की इसकी लाइट लाने की, जैसे कि यहाँ पे मैंने चार्जर से कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे पावर ऑफ ऑन करने की कोशिश किया, बट यहाँ पे कोई भी कोशिश यहाँ पे काम नहीं आ रहा था। तो उसके बाद लास्ट में इसका सॉल्यूशन मुझे मिला। तो यहाँ पे अगर आपके साथ भी ये होता है तो कैसे इसे सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप जो पावर बटन है उसको और यहाँ पे जो वॉल्यूम अप बटन है इन दोनों को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके थोड़ी देर रखना है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपको इसको थोड़ी देर रखेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल वाइब्रेट होगा और यहाँ पे आपको जो मोबाइल हो रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिला था, तब मैंने इस मेथड को ट्राई किया। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही रिस्टार्ट किया तो यहाँ पे मैंने रिस्टार्ट होने के बाद मेरा मोबाइल जो यहाँ पे ठीक हो चुका था। तो गाइस, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आता है तो आपको बस अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे आपका रिस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे आपके मोबाइल में डिस्प्ले में जो है यहाँ पे लाइट आ चुका है। तो गाइस, ये प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है नहीं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।